हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। तो ये मेरे चार पीस हैं, जो लंबाई इसकी 6.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। इसकी चौड़ाई इसकी 4 इंच है, 4.5, और लंबाई इसकी 6 इंच है। ये मेरा एक पीस है। ये मेरे 5-5 इंच के दो पीस हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये मेरे 3.5-3 इंच के पीस है फ्रेंड्स। ये मेरे 3 इंच का पीस है और चौड़ाई लंबाई इसकी 4.5 इंच है। तो अब मैं इनका सेट करके ना बताती हूँ फ्रेंड्स। पहले हम इसको इस पर रखेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में से हम सिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने लाइन लगा ली। अब हमें साइड साइड में से इसको सिलना है फ्रेंड्स। तो मेरी लाइन हो गई है, हमें बाद में हमें बीच में से कट करना है। सेम मैंने इसको भी ऐसे किया है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसको भी लाइन लगाएंगे साइड साइड में से और सिल लेंगे। एक ये पीस हो गया हमारा फ्रेंड्स, 6 हो गया। अब ये जो पीस हमारा, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पीस है इसको सबसे पहले इस पर जोड़ेंगे, यहाँ लाइन लगाएंगे, सिल लेंगे। तो मैं इसको सिल के दिखाती हूँ और इसको भी सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस तैयार हो गए हैं। ये मैंने सिल लिया है, इसको भी सिल लिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे और ये मेरे डबल शेड के 2 पीस हो जाएंगे। तो देखिए, ये मेरे डबल शेड के 2 पीस हो गए। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये मेरे 2 पीस हो गए, ये भी हमने सिल लिया है। अब हम इन पीस को, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस मैंने सेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको ऐसे लेंगे और जॉइंट से जॉइंट को बिल्कुल मिलाएंगे। याद रखना फ्रेंड्स, जॉइंट से बिल्कुल जॉइंट मिलने चाहिए, वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे जॉइंट से जॉइंट मिल गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से बीच में से लाइन लगाएंगे। ये देखिए, स्केल की मदद से हमने एक लाइन लगा ली है और हमें साइड साइड में सिलना है और फिर बाद में हम इसको कट करेंगे बीच में से। तो देखिए, मेरी 3 लाइन लग गई है। अब हमें यहाँ से सिलना है बीच की लाइन छोड़ के। तो देख लीजिए, एकदम किनारी से किनारी मिलनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब हम बीच में से कट करेंगे। देखिए, मेरे जॉइंट से जॉइंट बिल्कुल मिले हुए हैं, पर हमें एक ही पीस की ज़रूरत है। तो हम बीच में से कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बीच में से कट हो गया है। तो हमें एक ही पीस की ज़रूरत थी फ्रेंड्स, तो हम एक पीस ले लेते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ सिलेंगे और इसको हम यहाँ सिलेंगे। इस तरीके से। तो अभी पहले हम इसको फिनिशिंग से थोड़ा कट कर लेते हैं, फिर इसको इस पे जोड़ते हैं फ्रेंड्स। इसको हम बाद में जोड़ेंगे, पहले हम इसको इस पे जोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जॉइंट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से 2 पीस लेंगे। अब इन 2 पीस को क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। इसको भी देखिए फ्रेंड्स, इसको भी ऐसे ही करना है कि इसको ऐसे पलट के यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस सिल गए हैं। अभी हम इसको यहाँ बाद में जॉइंट करेंगे। हमें इसको ऐसे सिलना है फ्रेंड्स, पर हम इसको बाद में जॉइंट करेंगे, पहले हम इसका कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। तो ये बीच का सेंटर निकल गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से लाइन लगानी है। ये देखिए, ये यहाँ से लाइन लग गई है इस तरीके से। अब हम इस पीस को यहाँ से कट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम एक पीस लेंगे और इसमें यहाँ से हम इसको बीच में से कट करेंगे मोड़ के। तो ये हमारे 2 पीस हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आएगा। तो हम इस पीस को भी 2 पीस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ रख के ऐसे सिलेगा, उसको हम ऐसे पलट देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया है और जो एक्स्ट्रा है उसको हमने निशान लगा लिया, बाद में हम इस कट करेंगे। तो अब ये हमारा एक पीस और बचा है फ्रेंड्स। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो इसको भी हम बीच में से कट करेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब हमें इस पीस को इसके ऊपर रख के सिलना है। तो हम इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। सेम ये है फ्रेंड्स कि इस पीस को भी हमें ऐसे ही करना है कि हम इस पीस को यहाँ रखेंगे और ऐसे ही सिल देंगे। तो हमें ऐसे ही सिलना फ्रेंड। तो मैं आप और हमारा ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मैंने सिल लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको यहाँ रखेंगे
यहाँ रख कर यहाँ सिलाई मारेंगे और पलट देंगे। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ सिलाई मारेंगे और पलट देंगे। बाद में हम यहाँ से कट करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो पहले मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिल लिया है, एक्स्ट्रा अपना काट लिया है यहाँ से, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कितना सुंदर लग रहा है, मेरी ये फिश तैयार है और देखिए अच्छी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।